हम सुनते ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, दूसरी जगह आने वाले लोग भी कुछ काबिल नजर नहीं आते। सीएसएस के इम्तिहान हुए और सीएसएस के इम्तिहानों में जहां एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाएगी, वहां 100 में से सिर्फ 2% पास होते हैं। और ये जो 2% होते हैं सिर्फ यही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी जो 98% है वो अंग्रेजी के पर्चे में फेल हो जाते हैं। हसन अस्करी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ब्यूरोक्रेसी की क्वालिटी को क्या हो गया, सीएसएस के इम्तिहानों में भी सिर्फ 2% लोग पास हो पा रहे हैं? देखिए, सीएसएस के रिजल्ट का जो डिक्लाइन है उसकी मेरा ख्याल है फौरी तौर पे हम तीन बड़ी वजूहात की बात कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ये पूर रिजल्ट शो करता है कि उससे पहले की जो तालीम है उसमें कमियां और खामियां हैं, और आमतौर पे ज्यादा लोग एमए करके इम्तिहान देते हैं, और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में जोर नंबर पे है, तादाद पे है, क्वालिटी पे नहीं है, जो इसमें रिफ्लेक्ट करती है सीएसएस के एग्जाम में पुअरली। दूसरा फैक्टर इसका यह है, अंग्रेजी जुबान का है कि बहुत से जो लोग होते हैं वो एमए तो कर लेते हैं लेकिन अंग्रेजी जुबान में कमजोर होने की वजह से सीएसएस की परफॉर्मेंस जो है वो खराब है। और तीसरी इसकी वजह जो है वो बड़ी वो ये बनती है कि बहुत से लोग जो हैं अब जब एमए कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेते हैं, तो उनके पास कोई वाजे फ्यूचर नहीं होता कि क्या करना है, फारिग फिर रहे होते हैं और उसमें सोचते हैं कि चलो जहां और नौकरियों की ट्राई हो रही है सीएसएस का भी इम्तिहान दे लो और हो सकता है कि हमारी किस्मत काम कर जाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर साहब ये जो आप टीचर भी हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। वो तो आपने जो बताए उसमें एक मेरी नज़र में एक रीज़न इस दफ़ा की बैड परफॉर्मेंस का ये भी है कि इस दफ़ा उसका कॉम्बिनेशन सलाबाई जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया था। पुराने के ज़माने में मालिक आसिफ याज साहब ने रिफॉर्म्स की थी और वो नए कॉम्बिनेशन जो हैं वो उन्होंने वाकई कैंडिडेट्स को इफेक्ट किया है। इसलिए 11,000 में से 202 पास हुए हैं, 266 वैकेंसी हैं, वो तो ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, एज उस्ताद के तौर पर जो रिपोर्ट है उसके अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी प्रीडोमिनेंट सामने आती है। एक तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स में एनालिटिकल एबिलिटी की कमी है, दूसरी बात उन्होंने कही है कि उनका जो रैशनल है वो इलॉजिकल है, तीसरी चीज़ उन्होंने कही है कि उनका उनकी डाटा प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक नहीं है। जबान की बात तो आपने कर दी, और फिर वो ये कहते हैं कि जी उसके अंदर जो अप्रोच हुई है, क्योंकि सीएसएस में आपको क्रिटिकलिटी चाहिए, उनकी जो अप्रोच है डिफरेंट प्लेस में वो क्रिटिकल नहीं है। अभी अगर इन चार पॉइंट्स का आप अहाता करें तो एज ए टीचर आप ये बताइएगा लोगों के लिए कि इस चीज़ को किस तरह बेहतर किया जाता है, क्योंकि इसको तो इंडिविजुअल तालीम के बाद सेल्फ एजुकेशन है उससे भी बेहतर कर सकता है, तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, सेल्फ एजुकेशन से बेहतर तो करता है लेकिन ये जो स्टाइल है क्रिटिकल एनालिटिकल होने का, यही तो वो बेसिक कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से हम जो है एनालिटिकल नहीं होते, फैक्चुअल होते हैं। उसकी वजह से फैक्ट भी अगर आप नहीं किताब अच्छी पढ़ेंगे तो उसकी वजह से फैक्चुअल भी आप कमज़ोर होते हैं। यही तो कमियां हैं हमारी इस वक्त बीए और एमए की एजुकेशन के अंदर के ये बातें हैं। क्रिटिकल एनालिसिस तो हमारे यहाँ असूल ही नहीं है एजुकेशन का। चंद एक लोग खुद अपनी एफर्ट से सीख लेते हैं, थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एजुकेशन से बहुत आगे निकलते हैं, लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं कि 75-80% जो है वो ये एबिलिटी डेवलप नहीं करते, क्योंकि ये एबिलिटी अच्छा डॉक्टर साहब नहीं जाती हमारे। डॉक्टर साहब, इस पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हायर एजुकेशन कमीशन 2000 से ऑनवर्ड हमने देखा कि डॉक्टर अताउर रहमान साहब की सरबराही में अरबों का बजट दिया गया, आजकल डॉक्टर मुख्तार साहब हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बजट दिया जा रहा है, तो हायर एजुकेशन कमीशन का जो रोल है एज ए रेगुलेटर, क्योंकि इस रिपोर्ट में ए क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स वो अपीयर हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं, उसके अलावा कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए हैं, तो जो हायर एजुकेशन कमीशन का जिसको बेसिकली मुल्क के अंदर जो स्टेटस है एजुकेशन का उसको ऊपर लेके आना, तो उनका क्या रोल है, क्योंकि पैसे तो बजट तो वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पहले भी ले रहे थे अब भी ले रहे हैं जी। देखिए, फंडिंग तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज में बढ़ी है और रिवार्ड सिस्टम भी टीचर्स के लिए वो किया है, लेकिन इसके बावजूद हम क्वालिटी में कोई इतनी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, और उसके लिए बहुत से मेथड्स बन गए हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, मतलब कोर्सेज बढ़ा दिए गए और ये दिखाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि ह्यूमन कैपेसिटी को क्या हम रिकग्नाइज करते हैं, मतलब एमफिल, पीएचडी और एक्स्ट्रा कोर्सेज। सवाल यह है कि एक टीचर कितने कोर्सेज पढ़ाएगा, कितने पीएचडी एमफिल करेगा,
तो मेरा ख्याल यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो अनरियलिस्टिकली कुछ गोल्स को परसू कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्वालिटी कम्प्रोमाइज हो रही है, तादाद जरूर बढ़ रही है। सही, डॉक्टर हसन अस्करी साहब बहुत शुक्रिया, रोशनी डाली। लेकिन जब तक वही बात कि जब तक हमारा पिछला सिस्टम बेहतर नहीं होगा, आने वाले वक्तों में हम किस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे? 5 ईयर थमा दिया जाता है बच्चों के हाथ में। एक बड़ी जरूरी मैं चीज कहना चाहूंगा, हमने परसों बात की थी, आपको याद होगा, तो हमने कहा था कि जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी में जो छोटे प्रोविंसेस हैं उनका बड़ा शेयर कम है जी। ये जो रिजल्ट्स आपके कम आ रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान छोटे प्रोविंसेस को हो रहा है, जैसे बलूचिस्तान में आपने देखें या आप केजेके में देखें, क्यों जब तक आप इसको, क्योंकि उनके वहां से लोग इतने क्वालिफाई नहीं कर सकते, जब वो क्वालिफाई नहीं करते तो वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते। वहां पे आपको जिस तरह फौज में कंसेशन देते थे ना, सिलेक्शन में नारियों को उनके कद पे, इस तरह का कोई आपको भी चीज डिवाइस करनी पड़ेगी, ताकि आपके छोटे प्रोविंसेस का शेयर जो है वो ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में, फेडरल ब्यूरोक्रेसी में आए। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा क्विक कमेंट करना चाहूंगा इस पे, अगर आप जी इसमें जो पंजाब से 114 लोग पास किए हैं, सिंध से 13 और 16 अर्बन, सिंध से 18, केपीके से 4, बलोचिस्तान से 4, आजाद कश्मीर से और एक सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से पास हुआ स्टूडेंट, ये जो रिपोर्ट आई है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब चूंकि अब क्वालिटी का एजुकेशन ही नहीं हो रही, तो पास किसने होना है? अब सीटें खाली जाएंगी। एक वक्त था कि शेयर कंपटीशन होता था, लोग कम्पीट करते थे, एक एक सीट पे 15-15 लोगों के इंटरव्यूज होते थे। अब यहाँ पे जिस तरह ब्रिगेड साहब ने बताया, सीटें अवेलेबल हैं, बंदा ही कोई नहीं है उनको फिल करने के लिए, बाकी क्वालिटी नहीं है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।